नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जहां उन्होंने बुलंदशहर की जनता को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पश्चिमी यूपी में अरबों रुपए की लागत से शुरू होने वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करने बुलंदशहर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक के जल मार्ग का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने के लिए जलमार्ग से पहुंचा जा सकेगा। बुलंदशहर में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के तहत 1.5 MLD प्रोजेक्ट को लोकार्पण समेत बुलंदशहर से गढ़ मुक्तेश्वर फॉर लेन योजना, जिसकी लंबाई करीब 50 किलोमीटर है, समेत कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि अगले साल दिल्ली से प्रयागराज तक जलमार्ग चालू करने के लिए तमाम प्रयास युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जलमार्ग का DPR तैयार किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल में उनकी कोशिश है कि लोग दिल्ली से ताजमहल देखने आगरा जलमार्ग से यमुना नदी के माध्यम से आए। वाराणसी और प्रयागराज के बीच के जलमार्ग के लिए विशेष तकनीकी से युक्त मोटर बोट के लिए कार्य चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है, जिससे अब सड़क मार्ग और वायु मार्ग के अलावा जलमार्ग से भी दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने को पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ गंगा नदी पर ही नहीं, बल्कि अन्य 40 नदियों के लिए भी यह कार्य किया जा रहा है। कुंभ के आयोजन और वहां बहने वाले जल की निर्मलता के बारे में बोलते हुए कहा कि जो भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें स्वच्छ जल नदी में मिल रहा है। जो करीब 80 करोड़ रुपए खर्चा करके जो कार्य हमने किया था, उसका आज लोकार्पण हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। गहलोत भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में प्रधानमंत्री पद आया, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम गंगा को अविरल और निर्मल बनाएंगे। हमने केवल गंगा में काम नहीं किया, तो गंगा की जो 40 उपनदियां हैं, यमुना है, हिंडन है, रामगंगा है, काली नदी है, गंडक है, सभी नदी नालों पर भी हमने काम किया है। हम 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर चुके हैं, अवार्ड कर चुके हैं, और मुझे खुशी इस बात की कि उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। आज मैं उत्तराखंड में था, वहां अनेक घाटों का, मोक्ष धामों का लोकार्पण हुआ। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय कुंभ में जो भी जा रहे हैं, वो स्नान करने के बाद कितना पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल है, अविरल है, कि सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी तो केवल 30% काम पूरा हुआ है, पर मेरा विश्वास है कि इस मार्च के बाद अगले आने वाले मार्च में हम 100% काम पूरा करेंगे, गंगा को निर्मल भी बनाएंगे और गंगा को स्वच्छ भी बनाएंगे। अविरल और निर्मल बनाकर हम 100% ये पवित्र गंगा को शुद्ध और स्वच्छ करके भारत को समर्पित करेंगे, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। हम यमुना पर 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका भी 4,500 करोड़ के काम शुरू हो रहा है। हमें आपको बताते हुए खुशी होगी, पानी आपको बता दें कि बुलंदशहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बुलंदशहर में पूरी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। टीम सीएमएन। दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ समझौता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे। बता दें कि पीएम मोदी आज सियोल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। A country of 1.25 billion people is going through a great transition
इट इज चेंजिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी टू एन इकोनॉमी लेड बाय इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, एन इकोनॉमी दैट इज क्लोज टू वन दैट इज ग्लोबली इंटरलिंक, एन इकोनॉमी दैट इज नोन फॉर इट्स रेड टैप टू वन नोन फॉर अ रेड कार्पेट. India has emerged as a land of opportunities. While we work for realizing the Indian dream, we seek like-minded partners, and among them we see South Korea is truly. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यूटर्न का बादशाह होने का आरोप लगाया और कहा कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की सत्तारूढ़ पार्टी की बेकरारी ये स्पष्ट है. गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपके नेता गठबंधन के लिए कांग्रेस को राजी करने की कोशिश करके थक चुके हैं, लेकिन इस संबंध में पार्टी की मंशा अच्छी नहीं लगती. दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि दिल्ली की 70 में से 60 सीटें जीतने वाली पार्टी कांग्रेस की चिरौरी कर रही है, जबकि उसके पास गठबंधन के लिए सदन में कोई सीट ही नहीं है. अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति बदलने आए थे, लेकिन अब स्वार्थपूर्ण हितों के लिए कांग्रेस की चिरौरी में जुट गए हैं. अमानतुल्ला खान है वो तो बिल्कुल अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति को जो पहले गाली देता है, धमकी देता है. मैं तो एक शुभ कार्य में खुशी खुशी शामिल होने गया था, पहले इनविटेशन नहीं आया, बाद में मनीष सिसोदिया जी का इनविटेशन आया, टैग करके मुझे उन्होंने लिखा आप सादर आमंत्रित हैं, तो मैं वहाँ उपस्थित था. मैं मंच से अलग सिग्नेचर ब्रिज के डिवाइडर पे खड़ा था, और उसके बाद उसने पहले तो हमको बहुत अपशब्द बोले, धमकियां दी, जान से मारने की धमकी, यहीं गोली मार दूंगा. मैं हैरान, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे विधायक बन गए हैं, ये कैसे लोगों को अरविंद केजरीवाल ने पाल रखा है. और तब तक वो अंदर फिर जाता है स्टेज पे, और एक सवा मिनट बाद फिर आकर के सीधे उसने मुझे धक्का मार दिया. मैं मंच पे नहीं खड़ा हूँ, मैं मंच से 3 फीट दूर मैं डिवाइडर पे खड़ा हूँ, जो 4.5-5 फीट की डिवाइडर है. मैंने उस पर, उससे अगर गिर के आदमी मर सकता है, चोट लग जाए उसको तो. और फिर उसके बाद मॉब थी, आप गिर गए, मॉब भगदड़ हो गया, चढ़ गई, तो कुछ भी हो सकता था. तो ये कहीं ना कहीं ये साजिश के साथ किया. वो तो संजोग था कि मैं अपने को बचा लिया गिरने से और कुछ लोगों ने मुझे संभाल लिया. ये सब लोगों ने मिलके ही किया, अरविंद केजरीवाल के इशारे पे किया है. और ये लोग बेल पे रिहा है, इसी व्यक्ति के ऊपर CS को मारने का FIR है, लोग बेल पे हैं उसमें. तो जब सबके सामने ये कर सकता है तो वो अंदर क्या किया होगा, इसकी कल्पना करिए. पुलिस में मैं कंप्लेन कर दिया हूँ, अब इसको FIR में तब्दील कराना है, और यथाशीघ्र उसको गिरफ्तार करके वापस जेल कोठरी में जाना चाहिए, और उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, जो बेल पे है उस बेल टूटनी चाहिए. लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रफ्तार पकड़ रही है, कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपनी उपलब्धियों को बताने में लगी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युवाओं से सीधे मन की बात करेंगे. भारत के मन की बात के अंतर्गत होने वाले इस योजना के प्रदेश के युवाओं को बीजेपी की ओर मोड़कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हित साधने की कोशिश होगी, साथ ही उन्हें लुभाने का प्रयास किया जा रहा है. आपको बता दें कि इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ न केवल युवाओं के सवालों का जवाब देंगे, बल्कि उनके सुझावों को संग्रहित भी करेंगे. 41 जवान शहीद हुए, उन सभी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इन्हें नमन करते हुए,
हम सबको इस संकल्प के साथ बंधना होगा कि आतंकवाद, नक्सलवाद, किसी भी प्रकार की अराजकता और भारत की सुरक्षा को कोई सुनिश्चित कर सकता है तो हम सबके यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत इस समस्या का समाधान कर सकता है। और आज सेना ने इस बात को कहा भी है कि कश्मीर में जो लोग वहां के निर्दोष नागरिकों और सेना और पुलिस के जवानों पर बंदूक तानेंगे उन्हें केवल और केवल मौत मिलेगी, मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगी। यह ऐलान आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले तत्वों को भी कान खोल करके सुन लेना चाहिए। भारत आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर देश में व्यापक आक्रोश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समय आएगा जब लोगों की इच्छा और उम्मीदें पूरी होंगी। दिल्ली वेस्ट टू वंडर पार्क के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पुलवामा घटने के बाद ऐसा मूड अभी भी नहीं है कि कोई भी उत्साह के साथ किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा ISI, इनके साथ उनकी मिलीभगत है। और आतंकवाद की गहरी साजिश में ये ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और ISI से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ISI के साथ जिन लोगों की मिली भगत है उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। चुनाव आते ही राम मंदिर का राग अब सभी पार्टी अलपाने लगे हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू की थी, वहीं अब इसमें RJD भी शामिल हो गया है। RJD की ओर से तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनवाएंगे। तेज प्रताप यादव ने इस बात की घोषणा छात्र RJD के संगठन विस्तार के दौरान की है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर बिहार से ईंट लेकर जाएंगे और अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे। वहां से देखते होंगे भगवान क्या कर रहा है सब। अभी तक तो राम मंदिर बना नहीं और सही अंधड़ में तूफान में भिंगा रहा है राम जी को। हम बोले मंच के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। DSS सरकार अपना आएगा, गरीब गुरबा का किसान का सरकार आएगा, हम लोग सब एक एक न्यू ईटा ले करके सारे जाति सारे बिरादरी के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां जाकर के राम जी का उद्धार होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।